कैश का जुगाड़ हो गया है, एटीएम से 50,000 यहाँ निकलवा लिए, अब खरीदते हैं अपना जेआर पास जाके। जेआर पास है यहाँ पे जो मेट्रो स्टेशन टाइप है ना, उसके पास यहाँ पे जेआर का ऑफिस है, वहाँ से मिलता है। देखो जो ग्रीन कलर में जेआर लिखा है ना, इसका पास खरीदना है हमको, और फिर इसके बाद हमारी हो जाएगी सारी ट्रेन्स यहाँ पे मुफ्त। तो जेआर का ऑफिस कहाँ है वो ढूंढते हैं पहले। भाई स्वागत है आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। जापान हम आ गए थे पिछली वीडियो में, पर मैंने सोचा ये इन्फॉर्मेशन ना थोड़ी लंबी है, तो अगली वाली में कंबाइन करते हैं, जो कि आपको थोड़ा सेंस भी बनाएगी, ठीक है। तो आपने देखा होगा पिछले साल में आया था, मतलब 2019-18 में आया था, तो टोक्यो से ओसाका की जो बुलेट ट्रेन की वन वे टिकट है ना, वो है 13,000 से 15,000 येन के बीच में, एक तरफ की एक बार जाने की टिकट, ठीक है। तो इस बार मैंने सोचा कि हमको जाना भी बड़ा दूर दूर है और काफ़ी सारी ट्रेन लेनी है, तो इस बार हम लेंगे जेआर का रेल पास। कितने टाइप के रेल पास हैं, क्या प्राइसेस है, ये सब अब अंदर जाके आपको बताता हूँ मैं। पहले ख़रीद लाते हैं और फिर मैं आपको अच्छे से समझाऊँगा। 14 दिन का जापान रेल का पास का कीमत है 1,05,920 दो पास के लिए, येन है ये, मतलब। तो इसमें आपके पास में सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा होना चाहिए, उस पर ही वैलिड है ये 1,05,920। तो भाई एक तो रिसिप्ट है हमारे पास 1,05,000 येन की, ठीक है। मेरे को लगा दोनों का जेआर पास एक साथ बना दिया, पर ऐसा नहीं है। पकड़ इसको, अब दिखाता हूँ मैं। ये है भाई जेआर का पास, इतनी सी पर्ची, अगर ये एक बार खो गई तो ये वापस से नहीं बनने वाली। इससे साफ साफ कह दिया है कितनी मिन्नतें निकाल लेना। और इसके नीचे लिखे हैं पासपोर्ट के आपके 4 डिजिट आखिरी के, और नाम वाम कुछ भी नहीं लिखा हुआ। फिर पकड़ इसको, ये वाली नीचे वाली दिखा, ये वाली टिकट है। अब इससे हम जाएंगे इस एयरपोर्ट से शिनागावा, जो कि मतलब टोक्यो का मेन स्टेशन। ट्रेन निकल जाएगी अपनी? नहीं नहीं, 11:48 पे है ना। हाँ, कितने का टाइम हो रहा है? 11:20, 28 मिनट है, ठीक है। फिर और फिर इसने यहीं से कर दी हमारी शिनागावा से ओसाका की ट्रेन रिजर्व फ्री में। अगर मतलब मैं फेंक दूँ इसको? नहीं नहीं, तो मैं तेरे को फेंक दूंगा, तो मैं से पैसे मत मांगे ना फिर। चलो अब चलते हैं भाई यहाँ से। बताएगी जो अभी मशीन दिखाऊंगा ना मैं, उसमें हमेशा अपना जेआर का रेल पास डालना है। ये टिकट तो मतलब ऐसे ही है, बस की करा ली तो करा ली, हमेशा ये ही डालना है। और ये भूलना नहीं है, एक बंदे का 52,960 येन का पड़ा है ये जेआर पास। भाई हमारी ऊपर वाली ट्रेन जो 11:48 पे लिखी है ना, नारिटा एक्सप्रेस वाया टोक्यो शिनागावा, तो चलते हैं। देखो नारिटा एक्सप्रेस के ऊपर साइन बना हुआ है, तो हमको वहीं से जाना है। ये देखो ये रहा वो साइन, ठीक है, यहाँ से नो एंट्री है। और ये हैं गेट्स जिस पे हमको अपनी टिकट डालनी है, जो हमने अभी अभी खरीदी है 53,000 रुपीज़ की, येन की, सॉरी येन की। यहाँ डालना होता है पास, और ना कई बार भूल मत जाना इसको ना, यहाँ से निकालो। चलो देखो भाई, पास का यहीं से काम शुरू हो गया। ये जो नारिटा एक्सप्रेस से, मतलब जो नारिटा एयरपोर्ट से आपका टोक्यो सिटी सेंटर तक जाएगा, मैंने बताया था 80 किलोमीटर है पिछली वीडियो में यहाँ से नारिटा एयरपोर्ट से, तो फिर उसकी भी टिकट मेरे हिसाब से 1,000-1,500 येन तो आराम से होगी यहाँ से, क्योंकि यहाँ की मेट्रो की टिकट ही कई सारी पड़ जाती हैं 600-600 येन की, तो 1,000-1,500 की आराम से होगी। तो यहाँ से ही वसूल करना हमने शुरू कर दिया है। पर हमारी किस्मत क्या है कि भाई हमारी 27 को फ्लाइट है और ये पास 26 तक वैलिड है, तो कुछ नहीं, चलो एक बार हम लेके आ जाएंगे। पर अब चलो बचने पैसे शुरू हो गए हैं, एक बार ओसाका जाएंगे, 15,000 येन वहीं बच जाएंगे हमारे। क्यों, सही कह रहा हूँ ना पंजाबी? मुझे क्या पता, मुझे तो इसने बोला कि चलना है जापान में, आ गया। ओ ये तारे कैसे ऊपर हो गई भाई, मतलब ये भी सिक्योरिटी है। और इन्होंने ना परमानेंट पर्चियां लगा दी हैं कि 4 नंबर डिब्बा है तो यहीं पे रुकेगी 4 नंबर डिब्बा, तो 4 ही नंबर है, हमारी सीट इस डिब्बे में है भाई। हम बैठ गए गलत ट्रेन में, हमको लगा आखिरी स्टेशन है इसका, हम बैठ गए उल्टी जाएगी टोक्यो, पर इसका एक और स्टेशन बचा था। और 11:33 हो गए थे अभी, हमको लगा इंडिया की तरह 10-15 मिनट रुकेगी। थे नारिटा के टर्मिनल 2-3 पे, और ये ट्रेन आ गई टर्मिनल 1 पे और अब ये साफ सफाई कर रहे हैं।
ये कर देंगे साफ सफाई 2-4 मिनट में, और 11:44 पे निकलेगी ये ट्रेन, तो 11:48 पे ही पहुंचेगी वहां पे, क्यों बन जा अभी तो सही है अभी तक तो, और अब से ध्यान रखेंगे कहीं बुलेट ट्रेनें बैठ के 200-300 किलोमीटर बाद उतरना पड़े तो 11:44। और भाई ट्रेन रुकी है, क्लीनिंग का लगा के गए हैं कि भाई हम क्लीन कर रहे हैं और फिर हटा देंगे फिर हम बैठ सकते हैं। ये है अपना लगेज को लॉक लगाने का सिस्टम, यहाँ से पट्टा निकालो, यहाँ निकाला, अपने हैंडल में डालो, ठीक है, पूरा खींचो खींचो भाई, लंबा ही हो गया सिस्टम, खींच दिया, और अब दोबारा इसको यहाँ लगा दो, ऐसे बंद कर दो, ठीक है। अब यहाँ कुछ भी पासकोड डाल दो, चलो मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ ही डाल देता हूँ, 1996, ठीक है। अब इसको मैं लॉक कर देता हूँ, अब ये 0 हो गया, अब मेरे को अपनी डेट ऑफ बर्थ मतलब लॉक जो करा है, सही सिस्टम है यार, मतलब बताओ, ठीक है अभी हो गया यहाँ पे लॉक। भाई ये देखो नारिता एक्सप्रेस पे टाइम दिखा रहा है 11:48, और भाई तेरे फोन में क्या हो रहा है 50, 11:50, किस पे भरोसा करेगा भाई तू, जापानी पे भाई, क्यों सही है वो टाइम सही है जापानी ऐसे भाई वही है, शुरू से किससे सुने हैं कि जापान वाले हमेशा टाइम पे ही चलते हैं, तो घड़ी तो उनकी गलत हो ही नहीं सकती भाई, वरना टाइम पे कैसे चलेंगे। पर मेरे हिसाब से यार वैसे जॉक्स अपार्ट घड़ी तो वही गलत है इनके, ट्रेन वाली, फोन वाली ठीक होगी ऑफ कोर्स ही बात है। तो पास की एक खासियत है भाई, जहाँ पे भी आपको ये साइन मिल जाए ना JR, बस इसका मतलब JR ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कुछ भी लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, JR लिखा होना चाहिए बस इसमें, और आप उस ट्रेन में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवल कर सकते हो। ये हम पहुंच गए भाई शिनागावा, यहाँ से चलती है साउथ के लिए बुलेट ट्रेन मेरे हिसाब से, मतलब साउथ जापान के लिए, तो ओसाका साउथ में है, तो को बटन बटन दो नहीं दबाना खोलने के लिए, खुल जाए खुल जाए, बुलेट ट्रेन ढूंढनी हो तो मगरमच्छ मुँह ढूंढ लेना, ब्लू कलर की शिनकानसेन, यहाँ से जाना है हमको अब ओसाका की तरफ, ये लिखी हुई शिनकानसेन इनकी टिकट देखो, ये लिखा है शिनागावा 13:10 हिकारी 513, तो वहाँ पे भी लिखा है देखो 13:10 हिकारी 513, इस पे जाना है हमको, 13:10 पे आएगी ये, 10-1 मिनट है अभी हमारे पास। ट्रेन में बैठने से पहले ना कुछ खाने का ले लेना, अगर आपके पास मतलब ग्रीन क्लास ऑर्डिनरी क्लास वाली टिकट है ना तो ले लेना, हम लेते हैं अब कुछ देखते हैं यहाँ पे कुछ खाने का मिल जाएगा मेरे हिसाब से ठीक ठाक सा। तो भाई वैसे इन दुकानों पे ना बेंतो मिलते हैं, तो बेंतो मतलब होता है एक मील का सेट सा बना के देते हैं, जैसे थाली कह लो, इंडियन थाली कह लो, अरे भाई मेरे हाथ में ही है, एक सेकंड रुकता है, तो फिर वो तो भाई थोड़ा एक तो महंगा होता है, 1200 येन का था, पर मैं ले लेता, पर क्या है गर्म करके देते हैं, और हमारी ट्रेन थी सिर्फ 9 मिनट में, देख ली तू ना प्लेटफॉर्म 24 नंबर पे है, नहीं हिकारी 24 नंबर पे है ना, हाँ चलो वो भी चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे ना फिर कन्फ्यूज़न हो जाती, ये देखो खड़ी भी है ट्रेन, पर ये कोडोमा है जो लिखा है कोडामा, कुछ और होगा, जा तो ये भी ओसाका ही है, पर ये हमको जाना है हिकारी वाली में जो आगे लिखा है 513, इसके ये जाएगी और फिर दोबारा एक और ट्रेन आ जाएगी 6 मिनट के अंदर अंदर पंजाबी। ये आ गई भाई हमारी हिकारी 513, भाई स्टेशन में ही बहुत तेज़ एंटर करती हैं ट्रेन तो, ये अपना डिब्बा है रिजर्व्ड वाला, मतलब अनरिजर्व्ड भी होते हैं रिजर्व्ड भी होते हैं, और ज़्यादा देर नहीं रुकेगी ये भाई, मेन स्टेशन है और यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट रुक रही है, 8 हो गए ना 9 1 ही मिनट है। बच्चे 9 मिनट पे आके यहाँ लगी थी, 1:10 पे यहाँ से चल दी, हैरान हो गए ना दिमाग, कह रहा मेन स्टेशन है टोक्यो का और 1 मिनट रुकी बस, ये मिल्क टी है लिखा है इंग्लिश में, मतलब वो ये चाय कह सकते हो, ठंडी
तो कोल्ड टी कौन सी होती है? आइसक्रीम में पंदू तो होता नहीं है, मिला दिया इन लोगों ने। तो ये हम अपना खाने पीने का ले आए थे भाई, सैंडविच मिल्क टी, फिर ये भी अपना सैंडविच मिल्क टी, कुल मिला के 1800 यन का आया था ये, इतना सा सौदा बस। चलो खाते हैं, ओसाका तक काम चल जाएगा। उसने बिलिंग काउंटर पे से जोड़ा था ये टिश्यू पेपर टेप लगा के। भाई जापान की बुलेट ट्रेन में तीसरी बार बैठ रहा हूँ और ये वाली मतलब थोड़ी सी स्लो वाली बुक कर दी उस बंदी ने हमसे बिना पूछे, क्योंकि ये 3-4 एक्स्ट्रा स्टेशन पे रुकी। जो सबसे फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन है वो रुकती है पंजाबी सिर्फ 3 स्टेशनों पे, योकोहामा, नागोया और क्योटो, और चौथा ओसाका होता है टोक्यो से। ये हामामात्सु वगैरह रुक के जाएगी तो हम आते वक्त बिठा दूंगा तेरे को। तो तेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा? अभी तो मजे आ रहे हैं। सही है ना, लोग शांत है ना? तो कुछ ज्यादा ही शांति से तो लग रहा है कि बस हम ही बोल रहे हैं, दोनों को बात ही नहीं कर रहे। यहाँ पे क्या होता है ट्रेन में, ये नहीं यहाँ सामान छोड़ जाना, जो भी आपका कूड़ा कचरा है वो फेंकना पड़ता है डस्टबिन में। जाओ, हमारा स्टॉप आने वाला है और अगला स्टॉप है, अभी क्योटो पे रुकी है, अगला स्टॉप अपना ओसाका। तो भाई फाइनली ओसाका पहुँचने वाले हैं। मैंने आपको इसलिए दिखाया ये सफ़र क्योंकि मैं 2 बार पहले दिखा चुका हूँ और वो वीडियो आप देख सकते हो, टॉप वॉच वीडियो है मेरे चैनल पे, 6 मिलियन व्यू है भाई उस वीडियो पे, तो आप जाके देख सकते हो। क्योंकि इस बार जो है ना बहुत अलग अलग टाइप्स की ट्रेन लूँगा मैं, तो उस पे ज़्यादा फोकस करूँगा मैं। पर अभी के लिए इस ट्रेन की टिकट जो थी मैंने 2019 में शायद दी थी 13,000 येन की कुछ, पर अब इस ट्रेन की टिकट हो गई है 15,000 येन की, क्योंकि थोड़ा येन भी डाउन आया है और थोड़ी महंगाई भी हर साल बढ़ती है, तो 15,000 येन की टिकट है। और देखो भाई क्योटो से आखिरी सफ़र बचा है हमारा ओसाका के लिए, तो ये बस, ये तो योकोहामा तक नहीं, योकोहामा नहीं, ओकायामा तक जाएगी ये ट्रेन, तो हमको ओसाका उतर जाना है। तो ये लिखा आ रहा है कि शिनकानसेन आपकी ओसाका पहुंच चुकी है, काफ़ी मेजर स्टेशन है, शायद सेकंड मोस्ट मेजर स्टेशन है ये पूरे जापान में। अभी इंग्लिश में भी होगी अनाउंसमेंट, बाय। और ये ओसाका को ना शिन ओसाका कहते हैं, काफ़ी सारे स्टेशन हैं जो ये शिन 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 पीछे लगाते हैं, शिन कोबे, शिन योकोहामा, ऐसे शिन टोक्यो नहीं लगाते, टोक्यो को टोक्यो कहते हैं। तो वही मैं रोम रोम जी से पूछूंगा इस वीडियो के आगे, मैं डालूंगा शिन का क्या मतलब है। इस ट्रेन में मैंने एक नई चीज़ क्या नोटिस करी, ये टॉयलेट ट्रेन में पहली बार, पंजाबी ऐसी टॉयलेट तूने ट्रेन में पहली बार देखी है ना, ये देखी है ऐसी पहले कहीं पे भी देखे तूने ऐसी? और देखिए ट्रांसपेरेंट है, लॉक नहीं होती, मतलब वही है, कोई सुसू कर रहा होगा तभी करेगा ना, वो देख सकता है। और दूसरी ये वाली है भाई, तो जो भी कूड़ा आप फैलाते हो ट्रेन में खुद ही फेंकना है, और यहाँ फेंकना होता है भाई वो कूड़ा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फेंक दिया था जो भी हमने खाया, अब पहुँच गए हम ओसाका। 357 पे ही पहुँचना था टिकट पे जो लिखा था, और 357 पे ही पहुँचे हैं हम। ये थी भाई हमारी ट्रेन, और रिजर्व डिब्बा था हमारे, रिजर्व लिखा ही है, और ये योकायामा क्या लिखा था, ओकायामा जाएगी, योकायामा। चलें अब लेनी है मेट्रो। अब जो सबवे वगैरह है ना, मेट्रो टिकट्स अपने जेआर पास में इंक्लूडेड नहीं है, कई बसेस इंक्लूडेड है जेआर पास में, जो जेआर बसेस हैं, पर सबवे इंक्लूडेड नहीं है। जैसे लिखा ना ट्रांसफर टू जेआर लाइन, इसमें जो भी लाइन होगी ना जेआर की वो पास में इंक्लूडेड है, पर सबवे नहीं है, तो सबवे की हमको टिकट लेनी पड़ेगी, मतलब उस तरफ है। ये देखो भाई जापान पहुंच चुके हैं। भाई मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, और 2-3 चीज़ें बताऊँगा इससे। मैं अपना पास ना पंजाबी उल्टा करके डालियो, जैसे मतलब बिल्कुल उल्टा ऐसे निकलेगा पास, कैसे भी डाल लो आप चाहे इसको, पंजाबी ऐसे करके डाल दे, ठीक है, डाल वो देखो बिल्कुल सीधा करके निकालता ही है। तो भाई ये पहुंच गए मेट्रो स्टेशन पे, मेट्रो आ ही गई भाई, अभी अभी निकली है ना हमारे सामने मेट्रो के, और आ भी गई, ये आ गई भाई मेट्रो, इसमें बैठ के जाएंगे हम अपने होटल जो हमने बुक किया है। तो भाई फाइनली ओसाका पहुंच गए हैं, मतलब होटल के पास,
और हम चले थे कल शाम को अपने घर से 6 बजे शाम को, तो अब यहाँ पे बज रहे हैं लगभग 5 मान लो आप, ठीक है, तो ये 3.5 घंटे आगे भी है, तो 19 घंटे लगभग हमको लग गए ओसाका पहुँचने में, मेरे घर से हरियाणा भादुरगढ़ से 19 घंटे तो ओसाका जापान पहुँचने में। थोड़ा जल्दी भी पहुँच सकते थे अगर हम थोड़ा जल्दी हाथ पैर चलाते, तो अब ढूंढना है यहाँ पे होटल हमको और फिर रेस्ट करते हैं। तो भाई ये हमारा होटल है, यहाँ पे आप देखो अलग अलग तो बैठने के बना रखे हैं, 3-4 वेंडिंग मशीन है, और वो रिसेप्शनिस्ट ना हमसे पैसे ले रहा था और बिल्कुल देवांग कह रहा भाई अब उसमें है देख, उसने इसी तरफ कहा था, और देवांग तू क्या कह रहा है, ये बंदा इतना क्या कर रहा है, इतने मेहनत क्यों दिखा रहा है। मैंने कहा यहाँ पे लोग ऐसे ही हैं। होटल देखो, एक कमरे और दूसरे कमरे में गैप कितना है, मुश्किल से 4 फुट का भाई, अब तो ये एक सरप्राइज होगा अंदर से। अबे 834 कहाँ गया, खोलो खोलो। अबे 834 कहाँ है, 33 के बाद 35। चल मैं तेरा अपना कैंसिल है, खोल चुपचाप, नाटक मत कर। ठीक है, ये बैठ मेरा हो। बाथरूम शेयर्ड है ना, ये तेरा ये मेरा, ये रोम रोम जी का, उनका सामान नहीं होगा ना भाई। बिल्कुल जो नाम्बा एरिया है उसके बिल्कुल पास ही है होटल, 2 मेट्रो स्टेशन। देखो टूथब्रश भी दिया है, हैंड टॉवल, बॉडी टॉवल, फिर ये बाथरोब सा भी पूरा दिया है, सारे यही पहन के घूम रहे थे अभी हम नीचे गए थे पानी भरने। और भाई पानी पीने की फैसिलिटी है, मतलब खरीदना नहीं पड़ेगा, चार्जिंग वार्जिंग तो है ही। फिर भाई स्लीपर्स भी दिए हैं, और ये पता नहीं कैसा कर रखा है, अरे कम्बल ये थोड़ा समझ से बाहर है, पता नहीं इसको कपड़े से पहना रखे कम्बल को, कैसे सोना है इसमें। चलो मेरे को भाई बहुत तेज़ नींद आ रही है, तो भाई इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, और होप करता हूँ वीडियो पसंद आई हो। मैं थोड़ा यार इस वीडियो में ना मतलब आलसी सा था, क्योंकि इतनी देर से निकले हुए हैं घर से, बिल्कुल दिमाग बंद हो चुका है, सोने का मिला नहीं है, पता नहीं थोड़ा रूटीन भी मेरा घर पे बिगड़ा हुआ था, अब शायद सुधर जाएगा, अब सो जाऊँगा मैं थोड़ी देर 2 घंटे, फिर रात को घूमने जाएंगे रोम रोम जी के साथ, और फिर अपना आके सो जाएंगे, फिर रूटीन अपना सही हो जाएगा कल से, फिर 14 दिन अपना जापान अच्छे से घूमेंगे। हम जा रहे हैं नहाने, और इकट्ठे नहीं जा रहे भाई तो हमको ना बाथरूम सबको दिए हैं, क्योंकि एक ही शावर वगैरह है, 4 शावर हैं, वो भी ग्राउंड फ्लोर पे, तो सब लोग हम देख रहे हैं लिफ्ट में ऐसे क्यों जा रहे हैं, फिर हम भी ऐसे तैयार होके आ गए। अब हम जा रहे हैं नहाने, 8:30 हो चुके हैं, 9 बजे नाम्बा पहुँचना है हमको, तो हम थोड़ा पानी वानी डाल के थोड़ा फ्रेश सा होके कल करेंगे स्पा उपा अच्छे से, अभी तो चलते हैं। आ गए भाई अपनी मिनिएचर लिफ्ट। देखो मैं आज आपको जैपनीज में टिकट लेनी समझाऊंगा, इस पर क्लिक करना है, ठीक है, फिर 180 पे क्लिक कर देना, और फिर यहाँ पे 200 रुपये डाल देना, ठीक है, सिंपल। देखो कितना सिंपल था, ले ली हमने टिकट, तो सिक्का कोई बाहर आया क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं बाहर आया, वो हमने टिकट ली और 20 रुपये खुले आ गए, हाउ सिंपल, आई नो जैपनीज। तो भाई ये पता नहीं नई वीडियो है वही वीडियो है क्या है पता नहीं मेरे को, कुछ भी बस चले जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। तो अभी हम जा रहे हैं भाई पवन भाई के पास, वो मिलेंगे हमको नाम्बा में। अगर आपको नहीं पता है तो ओसाका का सीपी है नाम्बा, ठीक है, तो नाम्बा में ये सारी मतलब जो आप फोटो वोटो देखते हो। मेट्रो में आ गए हैं, 180 की टिकट लेके 2 स्टेशन जाना है बस, और फिर वहाँ पे जाकर पहले खाना खाते हैं, देखते हैं क्या खिलाते हैं, और फिर देखते हैं कहाँ क्या घूमते हैं नहीं घूमते हैं, फिर होटल वापस आते हैं रेस्ट करने। तो अभी तो चलते हैं मेट्रो में, जो कि हमारी आ चुकी है। हमको एग्जिट करना है, पवन भाई ने कहा है 14 नंबर से, दोतमबोरी, वही मतलब मेन एरिया सीपी एक तरह से यहाँ का, और हम ढूंढते हैं पवन को जाके कहाँ पे है भाई, वो फैमिली मार्ट पे खड़े हैं बता रहे थे, पिछली बार भी यहीं मिला था मैं। अरे और क्या हाल है, बढ़िया एकदम,